Hey there, you're listening to the Quint. झारखंड के नतीजे सामने हैं। हरियाणा और महाराष्ट्र के बाद एक बार फिर से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, इस बार झारखंड में। मिशन 65 यानी राज्य की 81 सीटों में से 65 सीटें जीतने की बात बीजेपी कर रही थी। नतीजा ये हुआ कि खुद मुख्यमंत्री रघुवर दास ही अपनी सीट से हार गए हैं। ऐसे में आज द बिग स्टोरी पॉडकास्ट में मैं फबीहा सैयद बात करूंगी कि आखिर बीजेपी की हिंदू राष्ट्र वाली जबरदस्त मार्केटिंग आखिर काम क्यों नहीं आई है। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीति आखिर कहां धरी की धरी रह गई है। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी पॉडकास्ट और आज हम बात करेंगे झारखंड के नतीजों की और बीजेपी के लिए इसमें क्या सबक छिपा है इसकी। महाराष्ट्र और हरियाणा के बाद झारखंड में जो झटके लगे हैं इसके बारे में हम बात करेंगे क्विंट के एग्जीक्यूटिव एडिटर नीरज गुप्ता से, क्योंकि सबक तो जरूरी है। अगले साल दिल्ली और बिहार के चुनाव हैं और 2021 में पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है और दिल्ली में बीजेपी पिछले करीब 20 साल से सत्ता से बाहर है। बिहार में नीतीश कुमार लगातार तेवर दिखा रहे हैं, तो इस पॉडकास्ट में आगे इन्हीं सब चीजों के हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात तो ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो फैक्टर है। दरअसल जब वोटिंग होती है और वोटिंग मशीन पर वोटर नरेंद्र मोदी के लिए बटन दबाता है तो वो कुछ और सोच रहा होता है, और जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वो मुख्यमंत्री के लिए या किसी एक खास पार्टी के लिए बटन दबाता है तब वो कुछ और सोच रहा होता है। और द क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से जानेंगे कि दिल्ली, बंगाल और बिहार की वो बड़ी अड़चनें जो अब बीजेपी का रास्ता रोक सकती हैं। अब तक बीजेपी झारखंड से अपने कैडर बंगाल भेज रही थी टीएमसी को काउंटर करने के लिए, लेकिन अब चूंकि झारखंड ही वो हार गए हैं और खासकर ये जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी उन्हें खासी हार हुई है, तो बीजेपी को बंगाल में भी उसका नुकसान होगा। पूरा पॉडकास्ट सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आप बिग स्टोरी हिंदी को फॉलो कर सकते हैं एप्पल पॉडकास्ट्स, गूगल पॉडकास्ट्स, स्पॉटिफाई, जियो सावन और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर भी।